ऑन स्क्रीन आएंगे। और ये बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो ये खबर थी, इस खबर के बारे में हम बात कर रहे थे, वहां पर मतदान धीमी गति से हो रहा है। हालांकि ये चीज़ क्लियर नहीं है कि वहां पर किसी तरीके की ईवीएम में कोई खराबी आई है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, या फिर किस वजह से है। बताया जा रहा है कि अधिकारी लोग उस पर काम कर रहे हैं, निर्वाचन अधिकारी जो है जिले के, वो भी इस पर लगातार जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं। अब सीधे अपने मेहमानों की ओर चलते हैं। राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ, जय दीक्षित साहब, प्रदीप गुप्ता साहब। जय दीक्षित साहब, हमें बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे थे, पूरी बात बता रहे थे। तो जय दीक्षित साहब यही कह रहे थे कि छोटे दल आज यहां है, कल वहां है, जीत गए तो बढ़िया बढ़िया, और हार गए तो फिर पता नहीं कहां है। तो ये चीज है, हम तो विपक्ष में ठीक है, हम तो हार चुके हाँ। और एक और चीज है, एक जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, हम तो विपक्ष में वाली बात, ये हर जगह यही चलेगा, ये स्टैंडर्ड लाइन है। लेकिन एक और चीज है, देखिए आप जय दीक्षित साहब ये समझते हैं कि जब भी बातचीत होती है तो इधर उधर की बातचीत थोड़ी करते रहना चाहिए, दर्शकों से भी हम बात संवाद करते रहते हैं। एक बड़ा ये जो क्या है चुनाव के दरमियान, इसको आप भी समझेंगे, आप दोनों ही मुझसे बड़े हैं, प्रदीप गुप्ता साहब अनुभव में भी हर चीज़ में, जय दीक्षित साहब, कि 2007 हो, जो चुनाव मैंने देखे हैं अपनी नज़र में, 2007 हुए, 2012 हुए, 2017 हुए, 2022, हर चुनाव में बेरोजगारी, हर कोई डांट देता है कि भैया असल मुद्दों पर क्यों नहीं बात कर रहे, असल मुद्दे क्या हैं भाई, असल मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य। और ये 2007 में भी था, 2012 में भी था, 2017 में भी था, 2022 में भी है। मैं तो कहूंगा पाषाण काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, ये मुद्दे रहेंगे, ये कभी दुरुस्त हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो और होता भी क्या है कि पार्टी वाले लोग इन जो लोगों को ज्यादा करते हैं। अब मैं गया था एक जगह, यहाँ कायमगंज है, कायमगंज है एक यूपी में, तो कायमगंज जिले में मैं घूम रहा था चुनाव से पहले, जब कवर कर रहा था, तो वहां पर एक मुझे युवक मिला, वो बोला कि सर बेरोजगारी बहुत है, सरकार ने सब बर्बाद कर दिया, बहुत बेरोजगारी है। मैंने कहा अच्छा भैया बेरोजगारी है, मैंने कहा ठीक है सर बेरोजगारी है तो अच्छी बात है आप बता रहे हैं, और ये खुलकर बोलना चाहिए, बेरोजगारी तो है सच में है। मैंने कहा आप कब से बेरोजगार हैं? तो कह रहा हूँ वो 2010 में किए थे, एमए किए थे 2010 में, तब से ऐसे ही चल रहा है मामला। हमने 2010 में एमए किए थे, तब तो 2012 में सपा भी आई, उससे पहले बसपा भी थी, तो तब से आप बेरोजगारी घूम रहे हैं? कह रहे नहीं नहीं सपा के सरकार में तो पूरा रोजगार रहा बढ़िया, 2017 से बेरोजगार हो गए। हमने क्या बना दिया भैया? उन्होंने डीएम बन गए थे, लेखपाल बन गए थे, क्या बन गए थे, पेशकार बन गए थे, क्या बन गए थे? कह रहे नहीं नहीं बढ़िया चल रहा था, 2017 में जैसे ही बाबा जी आए वैसे ही बेरोजगार हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि सपा के कार्यकर्ताओं को, सपा के लोगों को जैसे ही बाबा सरकार में, बाबा ने पकड़ पकड़ के उतारा, वो वहाँ सिविल कोर्ट में जज साहब के साथ पेशकार थे, बाबा जी की सरकार आई पकड़ के उतार दिया नीचे, चलो उतरो सपा वाले, ऐसा नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ है, और एक और चीज़ समझनी होगी कि लोग दरअसल, मैं एक बात बताता हूँ आपको जय दीक्षित साहब, प्रदीप गुप्ता साहब, बड़ा आकलन करना ज़रूरी होता है, लोग दरअसल बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, और छोटे शहरों में तो बहुत ज़्यादा। मैं फर्रुखाबाद से हूँ, वहाँ पर क्या है कि भैया टीचर नहीं बनेंगे जब तक, तब तक नहीं मानेंगे। अब शादी की उम्र निकल गई, अब कह रहे शादी की उम्र भी निकल गई, टीचर तो बने नहीं, अब वो बैठे हैं कि टीचर बनेंगे तभी मानेंगे। या 50 चीज़ें हैं, टीचर नहीं बने, या तो मेहनत कम रह गई या कुछ और रह गया, भर्ती वर्ती ये सब तो हर जगह का है, यहाँ का नहीं है, राजस्थान का भी है, छत्तीसगढ़ का भी, मध्य प्रदेश का भी है। और ये कोई सरकार ऐसी नहीं है जो संघ लोक सेवा आयोग, आज तक मैंने झगड़ा नहीं देखा, आज तक पेपर लीक नहीं देखा, पर्चा आउट नहीं देखा, सवाल गलत नहीं देखे, उनसे कोई नहीं सीखता हर सरकार। सर जय दीक्षित साहब, छत्तीसगढ़ हुई, रीट की परीक्षा भी करवाई थी टीचर्स के लिए, भैया पर्चा घर घर बट गया, घर घर पर्चा बट गया, सबके नंबर अच्छे आ रहे हैं, सब 140 340 ला रहे हैं, हर कोई, पिंकी भी ला रही है, रिंकी भी ला रही है, और सुनीता भी ला रही है, विलियम सब ला रहे हैं, हर कोई नंबर बढ़िया ला रहा है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही मध्य प्रदेश में, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में, तो ये लोग तो परीक्षा करवा ही नहीं पा रहे। और बहुत आसान है, आप यूपी, ये जो संघ लोक सेवा आयोग वाले करवाते हैं परीक्षा, इनसे सीख लीजिए, लेकिन नहीं सीखेंगे। और ये जय दीक्षित साहब आप भी जानते हैं क्यों नहीं सीखेंगे, सिस्टम में एक लूपहोल रहना बहुत जरूरी है, वरना सरकार का अगर व्यक्ति, अगर तुम इतनी पावर ना रखो कि चार लोगों को उठा के कुछ बनवा पाओ, तो फिर बेकार है मामला। और एक और चीज़ है जय दीक्षित साहब, हर कोई, और मैं इससे बड़ा मेरे मन में पीड़ा थी, मैंने सोचा था एक दिन बोलूँगा, लेकिन लास्ट राउंड होगी उस दिन बोल दूंगा, आप ही के समक्ष बोल दूंगा, और गुप्ता जी भी आज सामने हैं, हर कोई बोल रहा है, हर कोई बोल रहा है, जितने भी इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं हमारी बिरादरी के भी, मीडिया वाले, पत्रकार भी, वो भी अगर एक चैनल छोड़ के दूसरे चैनल में जा रहे हैं तो इतना दिमाग में भर गया कि बोल रहे हैं भैया वो पिछड़ा जाति और दलित बेरोजगार का नहीं चल रहा था उस चैनल में, इसलिए इस चैनल में जा रहे हैं। हर कोई बोल रहा है भैया, हर कोई बोल रहा है। तो ये चीज़ें हो गई, और ये मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट, ये जय दीक्षित साहब आप भी देखा होगा, प्रदीप गुप्ता साहब आपने भी देखा होगा,
कमजोर लोगों का ही शोषण होता है, कमजोर लोगों का ही, चाहे वो महिला हो, दलित हो, कोई भी हो, कमजोर का ही शोषण होता है। अब इंदिरा गांधी की ओर कोई आंख उठा के देख लेता, वो खुद की आंखें नहीं देख पाता जीवन भर, ये है, वो भी तो महिला थी, दलित है, रामनाथ कोविंद साहब है, राष्ट्रपति है, कोई बोल के तो देख ले कुछ। उसके घर पे अगले दिन चार लोग दिखेंगे हॉकी खेलते हुए, डंडा बिल्ली खेलते हुए, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो कमजोर लोगों का ही शोषण हो रहा है, चाहे वो दलित हो, महिला हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो। और एक तो ठेकेदार का ट्रेंड बहुत बढ़िया चला है, ये मैं सोच रहा था, ठेकेदार का ट्रेंड। अब हमारे एक है, आपको बताता हूँ, एक हमारे हैं, नाम नहीं लूंगा उनका, हालांकि सही नहीं है नाम लेना। वो बोले कि भैया काविंद्र साहब, वो चुनाव है, आ जाते थोड़ा सा, तुम भी थोड़ा सा घूम लेते तो थोड़ा रहता है कि मीडिया वाला रहेगा तो ठीक रहेगा। हमने क्यों आ जाए भैया, कह रहे वो आप हमारी कास्ट के हैं ना, चौहान है, और चौहान चौहान वाली बात है, आ जाइए। हमने क्यों आ जाए भैया, इतना रुपया लेंगे बताओ, आ जाए। बोले अरे अपने अपनी जात के लिए काम नहीं करोगे? हमने क्यों करेंगे भाई, आप तो इसलिए कर रहे हैं, आपका एक बच्चा पढ़ रहा है, कहाँ, एक बच्चा पढ़ रहा है लंदन में, एक बच्चा पढ़ रहा है लास वेगास में, और मेरा तो भतीजा पढ़ रहा फरखाबाद में। और ऐसे ही भाई, ऐसे ही सर, ये जितने भी है ना, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष और वैश्य महासभा के अध्यक्ष, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष, इन सबके घर पर बढ़िया बढ़िया खाना बनता है, कप प्लेट इटली से आता है, सब बढ़िया है, चाय भी ब्रांडेड आती है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सोनी मोटी एक चेन पहनते हैं, और कुछ नहीं। एक बार मैंने और कहा था ये बात, कि सपा वालों ने कहा कि भैया कितना वोटर है तुम्हारे अंदर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष से, तो बोले इतना इतना वोटर है, तो बोले ठीक है हमारी पार्टी में आ जाओ, इतना इतना करोड़ रुपया, चार पेट्रोल पंप, जीतने के बाद एक मंत्री पद। फिर बुला लिया अगले दिन बाबा जी के दरबार में, बाबा जी बोले हमारे तरफ आ जाओ इतना इतना वोटर लेके, छह पेट्रोल पंप, मंत्री पद और उससे ज्यादा रुपया। तो अगले दिन ही उन्होंने ब्राह्मण महासभा की एक बहुत विशालकाय रैली बुलाई और बोला कि देखो भैया अब बीजेपी में कोई हित नहीं रह गया ब्राह्मणों का, अब चलो सब सपा में, और सब के सब उनके पीछे पीछे सपा को वोट डाला है। अब मान लो सपा की सरकार बन गई, तो उनको तो मिल गया करोड़ों रुपया, उनकी स्थिति वही की वही रहेगी सर। जो एक आम व्यक्ति है, आम का मतलब ही है चूस लिया जाएगा, वो चूसा ही जाएगा, चाहे बीजेपी रहे चाहे सपा रहे। और आम व्यक्ति जिसे लग रहा हो कि वो आम है, और कुछ लोग मुझसे कह देते हैं कि भैया क्या मतलब, हम LIC के एजेंट हैं, हमें क्या मतलब भैया, ठीक है हम यादव हैं, पसंद है सपा सरकार, हम ब्राह्मण, हमें पसंद है बीजेपी सरकार, ठीक है। कुछ लोग कह देते हैं हम LIC एजेंट हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूं एक बार गलती से अगर थाने पहुंच गए ना, एक बार थाने घूम आए चौकी, तो सब दाल रोटी सब हवा सब पता लग जाता है कि चल क्या रहा है दरअसल। सही बात है कि नहीं प्रदीप गुप्ता साहब? बिल्कुल सही कहा था आपने। आज की जो राजनीति है, जिस प्रकार से आपने समझाया, आम आदमी आम की तरह ही है। बिल्कुल सर, आज जो असली मुद्दे हैं, जैसे अभी दीक्षित जी ने कहा था कि बेरोजगारी का या किसानों की फसलों का है, असली मुद्दे सब लुप्त होने जा रहे हैं। जनता जो है, जो चुनाव होना चाहिए, ये चुनाव राज्य का चुनाव है, राज्य में क्षेत्र के विधायक है, क्षेत्र समस्याओं की बहुलता होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से, जो बात मैंने पहले भी कही थी, आज चुनाव का रूप बदल गया है। आज चुनाव के अंदर लोग बहुत कुछ देखने लगे हैं, क्योंकि असली चीजों को पूछते जा रहे हैं, असली चीजों पे लड़ाई होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था, रोजगारी की व्यवस्था है, महंगाई की व्यवस्था, आज बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है हमारे देश को। मैंने पहले भी बैठा था, मैंने कहा था कि आज चीन से सीखने की जरूरत है, किस तरीके से चीन ने कम से कम 150 देशों के अंदर उसका माल जा रहा है, आयात करता जा रहा है। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, अगर सरकार चाहे इस दिशा में जगह जगह हब बनाए, फसलों के लिए वेयर हाउस बनाए, आधी फसल तो खराब हो जाती है। जितनी फसल की पैदावार हिंदुस्तान में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में है, आधी फसल खराब हो जाती है, आधा गेहूं खराब हो जाता है। ये दुर्भाग्य है देश का, ये चीजें दूर होनी चाहिए। सरकार अच्छे काम कर रही है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो जरूरी विषय है, हमें इसलिए चाहिए एक मजबूत विपक्ष हो, ताकि सरकार को हम लोग बता सके, अपनी बात को कह सके, व्यापार की पीड़ा को सरकार समझ सके। ये चुनाव का रुख होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, बड़े अच्छे ढंग से आपको समझाया ये मुद्दे। अगर लेकिन मीडिया का प्रभाव है, मीडिया जो है आज मीडिया
सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है आपके अंदर, ये अपनी भूमिका को ढंग से निभाएं। कहीं ना मीडिया भी प्रभावित होता है सरकार से, सरकार के लोगों से, तो नहीं होना चाहिए। आज हमारे को चाहिए अच्छा देश बनाने के लिए, अच्छा बच्चे बनाने के लिए, कई बातों के लिए परिचर्चा होनी चाहिए, उसी से अच्छी चीज निकल के आएगी। बिल्कुल, जय दीक्षित साहब के पास भी चलेंगे, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि मेरी सर किस्मत इतनी खराब है, अब कुछ लोग मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, वो आज तक बैठे हैं कि टीचर बनना है उन्हें, अब टीचर नहीं बन पा रहे, पूरा शिक्षा समेट के बैठे हैं लेकिन शिक्षा दे नहीं पा रहे। एक और मेरी किस्मत, एक ही नौकरी करनी थी, यूपीएससी की तैयारी की, फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, नहीं हो पाया, हुआ ही नहीं, जैसे ही नहीं हुआ बोरिया बिस्तरा पैक करके दिल्ली आ गए। और सोचा मन में था कि राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, सब कहते थे गाँव के चाचा ताऊ राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है, 2014 से पहले आए थे और तब से ऐसी हाय लगी कि सारी राजनीतिक समझ बेकार चली गई। 2014 का चुनाव आया, 2017 का आया, 2019 का आया, अब तो कुछ बोलना ही ठीक नहीं लगता मुझे, बोलूंगा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या होने वाला है। 2019 में पूरा पासा ही पलट दिया, 2017 में पलट दिया, 2014 में, अब वो चीज़ें नहीं रह गई कि ठीक है इतना इतना जातिगत समीकरण है, ये ठीक है 5, 15 × 2, 30, और ये लो अच्छा ठीक है बसपा इतना इतना ठीक है इतना इतना, अब वो चीज़ें कहाँ रह गई सर? जय दीक्षित साहब कहाँ रह गई अब वो चीज़ें? केवल सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इसके अलावा देश में बहुत कुछ है, जो छोटे छोटे दुकानदार है उनकी कोई गिनती नहीं है, असली रोजगार वो है, उसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर वो उस पर ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ ये चीजें नहीं होंगी कि मैं टीचर नहीं बन पाया, मैं क्लर्क नहीं बन पाया, मैं यूपीएससी किसी में नहीं बन पाया, वो आदमी कहीं ना कहीं काम कर पाया। मेरे एक मित्र हैं, वो नगर अध्यक्ष हैं, वो भोजपुर में नगर अध्यक्ष हैं, बोले कि मैं किस काम आ सकता हूं तुम्हारे, मैंने कहा बहुत मेहनत करो और जिस दिन मुख्यमंत्री बन गए उस दिन एक काम करना बस, पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को ले जाकर कम से कम 21 दिन के लिए गुजरात में रखना, फिर ये लौट के आएंगे थोड़ा सुधर जाएंगे। एंटरप्रेन्योर बनना ही नहीं किसी को, सबको बनना क्या, शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, सब कुछ है इसके अलावा, है ना, और बहुत कुछ है, चीजें बहुत खुली है, युवाओं को भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, जय दीक्षित साहब कुछ कहेंगे, लेकिन इससे पहले जय दीक्षित साहब एक ब्रेकिंग आई है और इसको पढ़ के बता देते हैं। तो मधुबन 353 की विधानसभा है, वहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। तो मऊ जिले की मधुबन विधानसभा है जहां का बिटोलिया गांव बताया जा रहा है, जहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। और साथ ही साथ बता दूं कि बिटोलिया गांव के लोगों ने मतदान का जो बहिष्कार किया है, मधुबन विधानसभा का ये गाँव हमेशा से बाढ़ग्रस्त रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है ऐसा लोगों का कहना है। बाढ़ के दौरान कुछ नेता तो राहत सामग्री वितरित कर गए थे, पर स्थानीय समाधान आज तक नहीं हुआ है, इस बात को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। और हर बार करते हैं जय दीक्षित साहब, गुस्से में रहते हैं, हर बार मतदान का बहिष्कार कर देते हैं, और बाजू वाले बूथ में बंपर वोटिंग होती है, नेता बन के आ जाते हैं। चलिए ठीक है, बाइट भी, एक बाइट भी चला दीजिएगा सर। मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने, और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की पांचों सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना आप सीट यहाँ, मतलब पांचों सीट की बात करें जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे पांच सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर के एक बूथ में मतदान किया, इनका एम्बियंस कम कर दीजिएगा, मेरा एम्बियंस चालू रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मिर्ज़ापुर के एक बूथ में मतदान किया है, ये उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं, हम यहां सभी पांचों सीटों पर जीतेंगे, लोकतंत्र के इस महापर्व में मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है, विकास की दृष्टि से मिर्ज़ापुर के कई परियोजनाओं को आते देखा जाएगा। तो अनुप्रिया पटेल क्या कुछ बोल रही है, अब एम्बियंस बढ़ा दीजिएगा सर। मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने, और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की पांचों सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना आप सीट यहाँ, मतलब पांचों सीट की बात करें जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे पांच सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है,
पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई उसको देखते हुए मिर्जापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्जापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है, चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ, तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है।